एलोवेरा और गुलाब जल को अगर इस तरह लगा लिया तो चेहरे के ओपन पोर्स, क्लॉक पोर्स, ब्लैक हेड्स जड़ से खत्म हो जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। ओपन पोर्स, क्लॉक पोर्स, ये प्रॉब्लम आजकल सबको है, चाहे आप टीनेजर्स हो या अडल्ट हो। ओपन पोर्स, लार्ज पोर्स स्किन के टेक्सचर को खराब कर देते हैं और उनकी वजह से चेहरे पर ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स भी हो जाते हैं जो चेहरे पर निशान छोड़ देते हैं। गाइज, ओपन पोर्स को एकदम से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन काफी हद तक इसको कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने घर में, गार्डन में आप एलोवेरा का पौधा लगा लीजिए। एलोवेरा स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी को ठीक करने के लिए इट्स अमेजिंग। स्किन सॉफ्ट, क्लियर इससे हो जाती है। प्लांट बेस्ड एलोवेरा की बात अलग ही होती है। इससे निकलने वाला जेल स्किन को स्पॉटलेस, क्लियर और बहुत ही ग्लोइंग बना देता है। आप 5 डेज डेली एलोवेरा से मसाज करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि भाई हम फालतू ही इतने महंगे प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, आप 3 से 4 एलोवेरा की लीफ ले लीजिए, इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसके बाद आपको इसे छीलकर इस तरीके से इसका जेल निकाल लेना है। ये जेल आपके स्किन को इतना प्यारा कर देता है, स्किन के टेक्सचर को स्मूथ कर देता है और इसको लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर भी लगाने की नीड नहीं होती है। तो एलोवेरा की पत्तियों से जेल निकालने के बाद आपको एक मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल देना है। इसके बाद हम इसी ग्राइंडर में ऐड करेंगे रोज वाटर। जब आपको ओपन पोर्स या ब्लैक हेड स्किन पर हो जाते हैं तो आपको अपनी स्किन को प्रॉपर क्लीन करना होता है, मॉइस्चराइज करना होता है, क्योंकि कई बार स्किन को हाइड्रेशन नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से ओपन पोर्स और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। गुलाब जल फेस पर लगाने से स्किन क्लीन हो जाती है और ये स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। गुलाब जल हमारे नेचुरल ऑयल को बैलेंस करता है, साइन ऑफ एजिंग को ये कंट्रोल करता है। इट मींस रोज वाटर का इस्तेमाल से आपके चेहरे पर कोई भी इश्यू, स्किन इश्यू या फिर उल्टा सीधा एजिंग ग्रोथ नहीं होता है। तो आप एलोवेरा जेल के साथ 3 से 4 चम्मच इसमें रोज वाटर ऐड कर लें। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें मैंने ऐड किया है विटामिन ई कैप्सूल। गाइज, मोस्टली विटामिन ई की कमी से स्किन डल पड़ने लग जाती है और स्किन पर ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स हो जाते हैं। विटामिन ई स्किन के बैरियर्स को रिपेयर करता है और स्किन पर ग्लो लाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ओपन पोर्स और क्लॉक पोर्स की वजह से स्किन डैमेजेस हो जाते हैं, विटामिन ई इनको ठीक करता है, इनको रिपेयर करता है। विटामिन ई हमारे स्किन के लिए नेचुरल नरिशिंग एजेंट है, इसी में 2 विटामिन ई कैप्सूल आपको ऐड कर लेने हैं। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्सी चलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए। तो ग्राइंड करने के बाद ही कुछ इस तरह लिक्विड आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह से आप आइस ट्रे ले लीजिए और इस लिक्विड को आपको आइस ट्रे में डाल देना है और इसको 1 से 2 घंटे के लिए जमने के लिए रख देना है फ्रीजर में। 2 से 3 घंटे में जब ये जम जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपकी आइस क्यूब्स बन जाएगी। गाइज, यही आइस क्यूब आपकी स्किन से जुड़ी हर प्रॉब्लम, ओपन पोर्स हो, क्लॉक पोर्स हो, लार्ज पोर्स हो या ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो, डल स्किन हो, जितनी भी प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड होती है, ये आइस क्यूब उन सभी चीजों को ठीक करने में अमेजिंग रिजल्ट देता है। क्योंकि ये मैंने भी यूज किया है एंड मेरी भी स्किन काफी ऑयली है और मुझे भी ओपन पोर्स हो जाते हैं और अब भी होते रहते हैं, बट इसको यूज करने से काफी कम हो गए हैं। दिन में 2 से 3 बार आइस क्यूब को लेकर आपको अपने फेस पर इससे मसाज करनी है। मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद आइस क्यूब को लेकर अपने चेहरे पर इस तरीके से आपको मलना है। ये सारे इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं, साथ ही जब आप इसको ठंडा ठंडा लगाते हैं तो इस आपके चेहरे पर ग्लो आता है और ओपन पोर्स मिनिमाइज होते हैं। सुबह फेस वॉश करने के बाद आप इसे चेहरे पर मसाज करें। अगर आप रात में सोने से पहले इसको मसाज करके सोते हैं तो आपकी स्किन काफी हेल्दी और क्लियर हो जाती है। गाइज, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, 1 से 2 बार के एप्लीकेशन में ही आपको सीरियसली काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।